हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का आपका चैप्टर 6 टिश्यूज़। ये अब इसका लास्ट पार्ट है। एनिमल टिश्यूज़ हम इसमें देखेंगे। तो एनिमल टिश्यू में भी हम इसमें एपिथीलियल टिश्यू सिर्फ देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग कनेक्टिव टिश्यू और आगे का जो होता है जो भी है इसमें चैप्टर में वो हम कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए कि एनिमल टिश्यूज़ क्या हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं हम लोग फील कर सकते हैं अपने चेस्ट की मूवमेंट को। मतलब आप लोग अभी गहरी सांस लेके देखिए, आप लोग डेफिनेटली फील कर पाएंगे कि आपके चेस्ट में मूवमेंट हो रही है। तो ये जो मूवमेंट होती हैं, हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव, ये जो बॉडी के पार्ट्स हैं किस तरीके से मूव करते हैं। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल सेल। तो हम लोगों की बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है ना, उस मूवमेंट को मसल सेल्स की वजह से मतलब बॉडी हमारी मूव करती है। तो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। तो कंट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद रिलैक्स, फिर कंट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। मतलब कंट्रैक्ट वही, आपका अपनी मुट्ठी बंद करिए तो आप कंट्रैक्ट कर रहे हैं, और आपने मुट्ठी खोल दी तो आप रिलैक्स कर रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट होता है। फिर ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते हुए हम अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, ये ऑक्सीजन हम लोगों की लंग्स में जाती है और बॉडी सेल्स की हेल्प से ब्लड में चली जाती है। मतलब ऑक्सीजन हमने ली वो लंग्स में गई और लंग्स से बॉडी सेल्स की हेल्प से हमारे ब्लड में चली जाती है। वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन। अब जो सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो देखिए, द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर। हम लोगों ने इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। तो हम लोग को ऑक्सीजन जो चाहिए होती है ना, हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए चाहिए होती है। मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं ना, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग ले लेते हैं बॉडी में, उसके ब्रेक डाउन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, ऑक्सीजन ब्लड में घुलता है, ब्लड फ्लो करता है पूरी की पूरी बॉडी में, और जितनी भी हमारी जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेज है हमारी बॉडी के लिए वो वेरियस ऑर्गन्स में पहुंचा देता है। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। फॉर एग्जांपल, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल द सेल्स। ब्लड की हेल्प से ही ऑक्सीजन और हमारे बॉडी में खाना, न्यूट्रिएंट्स, बाकी सारी सेल्स में पहुँचते हैं बॉडी की। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज डेम टू द रिवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। तो ये पूरी बॉडी से वेस्ट भी कलेक्ट करता है, मतलब पूरी बॉडी की गंदगी कलेक्ट करके लिवर में पहुंचाता है, लिवर में लेके जाता है, किडनी में लेके जाता है, और लिवर और किडनी से हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है जो बॉडी का वेस्ट होता है। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज फाउंड इन आर बॉडी। तो ब्लड हो गया, ठीक है, ब्लड और मसल्स, ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी बॉडी में टिश्यूज पाए जाते हैं उनके। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दे परफॉर्म, जो फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं ना, वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज़। ये अलग अलग टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग अलग अलग टाइप के एनिमल टिश्यूज़ के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि एपिथीलियल टिश्यू, ठीक है। अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ के एग्जाम्पल हैं एपिथीलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो इससे पहले हम लोग इससे पहले की वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर और नर्वस टिश्यू देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग एपिथीलियल टिश्यू के बारे में देखेंगे। ब्लड जो है वो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, और मसल्स जो है वो मस्क्यूलर टिश्यू है। तो अब ये एपिथीलियल टिश्यू क्या होता है? तो द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर एपिथीलियल टिश्यू। तो हमारी बॉडी की जो स्किन वाला पार्ट होता है ना, जो हमारी बॉडी के मतलब कवरिंग करता है, हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं ना उनको कवर करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, तो ये एपिथीलियल टिश्यू ही होता है। एपिथीलियम जो होता है कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। तो जो एपिथीलियम होता है वो ज़्यादातर ऑर्गन्स को कवर करता है, और जो भी हमारी बॉडी में कैविटी है, कैविटी मतलब खाली जगह, जैसे कि हमारे जो घुटने होते हैं यहाँ पर होती है ना, काफ़ी सारी बॉडी में जगह हमारी खाली होती है, तो उनको ये फिल करता है एपिथीलियम, उनको कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। एक बैरियर भी
एपिथेलियल टिश्यू मतलब गैप्स को कवर करता है, फिल करता है, प्रिट करता है, और एक ऑर्गन दूसरे से अलग रहे उसके बीच में ये गैप भी क्रिएट करके रखता है। द स्किन, द लिनिंग ऑफ द माउथ, द लिनिंग ऑफ ब्लड सेल, लिविंग मतलब कवरिंग, लिनिंग जो होती है कवरिंग होती है, और लंग, एल्वियोली, किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो सारे के सारे मतलब हमारी जो स्किन हो गई, हमारे माउथ, मतलब सबकी जो कवरिंग का काम होता है वो एपिथेलियल टिश्यू का ही होता है। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट। तो ये जो होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं और एक पूरी कंटिन्यूसली शीट ये बनाते हैं। दे हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटीरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो सेलुलर स्पेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium. तो हमारी body के अंदर जो भी कुछ जा रहा है और जो भी कुछ हमारी body के बाहर निकल रहा है वो epithelium की layer से तो ज़रूर ही होकर के पास होगा। As a result, the permeability, permeability का मतलब होता है ability to, मतलब इस जगह से अगर कोई चीज़ पास हो पा रही है हमारी बॉडी के अंदर से, जैसे कि कोई बॉडी के अंदर हमारी स्किन के थ्रू पास हो रही है तो मतलब स्किन परमिएबल है। तो रिजल्ट जो है, परमीएबिलिटी ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस एपिथीलिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये देखिए परमीएबल होता है एपिथीलिया, इसकी वजह से हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर चली जाती हैं चीज़ें, बॉडी के अंदर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि एपिथीलिया जो है वो परमीएबल होता है। Regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. तो regardless of type, मतलब सारे के सारे जितने भी टाइप के epithelium होते हैं ना, is usually separated, मतलब separate होते हैं, ये epithelium है, इसके अंदर कोई दूसरा टिशू है। तो ये epithelium और दूसरे टिशू ये एक दूसरे से separate होते हैं by an extracellular fibrous basement membrane, एक मेम्ब्रेन सी होती है इनमें, फाइब्रस मेम्ब्रेन मतलब एपिथीलियम बाकी कोई दूसरे टिश्यू के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है। डिफरेंट एपिथीलिया शो डिफरिंग स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। तो अलग अलग बहुत टाइप के एपिथीलिया होते हैं तो हर सबका अलग अलग फंक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए, इन सेल लिनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोली वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जैसे कि हमारे जो सेल्स हैं, लिनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, इसकी जो लिनिंग होती है या फिर जो लंग है हमारा उसके अंदर एल्वियोली होती है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैरी आउट होता है सब्सटेंसेस का, अकर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ट्रांसफर एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि जितने भी एपिथीलिया होते हैं उसके अंदर से, उसके अंदर भी चीज़ें आ सकती हैं, उसके बाहर भी चीज़ें जा सकती हैं, तो ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में भी एपिथीलिया हेल्प करता है। देयर इज़ अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथीलियम दैट इज कॉल्ड अ सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। ठीक है, तो वहाँ पर एक सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम प्रेजेंट होती है। फिर आगे देखिए, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लिनिंग। तो जो सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियल सेल होते हैं ना, एपिथीलियल सेल होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं और ऐसे फ्लैट फ्लैट से होते हैं और काफ़ी डेलिकेट होते हैं, ठीक है, जो स्किन में प्रेजेंट होते हैं। द ओएसोफेगस एंड द लिनिंग ऑफ माउथ आर कवर्ड विद स्क्वैमस एपिथीलियम। तो जो स्क्वैमस एपिथीलियम होती है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? जो ओएसोफेगस मतलब हमारी जो फूड पाइप है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, और हमारा जो मुंह होता है ना, मुंह के अंदर जो हमारी लिनिंग होती है उसमें भी ये स्क्वैमस एपिथीलियम ही प्रेजेंट होती है। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी, हमारी जो स्किन होती है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ये भी स्क्वैमस एपिथीलियम इंपॉर्टेंट है। देखिए ठीक है कि स्क्वैमस एपिथीलियम की एग्जाम कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमारी स्किन होती है, हमारी माउथ में होती है, हमारे ओएसोफेगस हमारी जो विंड पाइप होता है ना, फूड पाइप, सॉरी विंड नहीं, हमारा ओएसोफेगस जो होता है वो हमारा फूड पाइप होता है। तो देखिए, स्किन एपिथीलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। तो ये काफ़ी सारी लेयर्स में जो स्किन के एपिथीलियल सेल्स होते हैं ना,
स्क्वेमस एपिथीलियम, इसमें काफ़ी सारे लेयर्स होती हैं ताकि वियर एंड टीयर जिससे कुछ दिक्कतें आएँ तो उसको ये सह सकें. सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, लेयर्स के पैटर्न में अरेंज होते हैं स्क्वेमस एपिथीलियम, द एपिथीलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम. अब स्किन में प्रेजेंट होते हैं तो स्क्वेमस, बट काफ़ी सारी लेयर्स होती है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, तो इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं. तो जो भी चीज़ ना लेयर में होती है, लेयर की फॉर्म में होती है ना, उसको हम लोग स्ट्रेटिफाइड बोल सकते हैं. ठीक है, अब देखिए, वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन अकर एज द इनर लिनिंग ऑफ इंटेस्टाइन टॉल एपिथीलियल सेल्स आर प्रेजेंट. दिस कॉलमनर मीनिंग पिलर लाइक, ऐसे पिलर जैसे एपिथीलियम फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथीलियल बैरियर. ठीक है, तो वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन अकर, तो एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन कहाँ पर होता है, जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, फिर बाहर निकल जाता है. तो हमारे जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, वहाँ पर जो प्रेजेंट होती है ना, वो ऐसे पिलर जैसी, पिलर की कॉलम जैसी एपिथीलियम होती है. वो एपिथीलियम फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथीलियल बैरियर. ठीक है, इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब जो हमारे जहाँ से हम सांस लेते हैं, तो कॉलमनर एपिथीलियल टिश्यू ऑल्सो है सिलिया, सिलिया जो मूवमेंट में हेल्प करता है. विच आर हेयर जैसे, छोटे छोटे हेयर जैसे प्रोजेक्शन होते हैं ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथीलियल सेल्स. दीज सिलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेज द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट. तो हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ना, इसमें सिलिया प्रेजेंट होती है. तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, इसमें ना छोटे छोटे बाल की फॉर्म में ना सिलिया प्रेजेंट होती है. ये सिलिया में जो होती है ना, ये मूव करती है, और ये जो मूवमेंट होता है ये मूव करती है. मूवमेंट में जो म्यूकस होता है हमारी बॉडी में, नाक में भी होता है ना म्यूकस, उसको वो अंदर बाहर, मतलब जैसे कि बॉडी के अंदर भी ज़रूरत होती है बॉडी के बाहर, तो वो बॉडी के बाहर निकलने में भी ये हेल्प करता है. दिस टाइप ऑफ एपिथीलियम इज कॉल्ड दस सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम. इसका नाम होता है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम, क्योंकि ये सीलिया वाले रीजन में प्रेजेंट होता है. कहाँ पर? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में. ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम होता है. अब क्यूबॉइडल एपिथीलियम मतलब क्यूब की शेप जैसा एक एपिथीलियम होता है, ऐसे करके क्यूब की शेप्स के, ठीक है, ऐसे टाइप्स के. फॉर्म्स द लिनिंग ऑफ किडनी. तो हमारी किडनी में जो एपिथीलियम होता है वो क्यूबॉइडल एपिथीलियम टाइप का होता है. किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स, हमारे जो सेलिवरी ग्लैंड्स मतलब जो थूक बनाने के काम आते हैं वहाँ पर. वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, एपिथीलियल मैकेनिकल सपोर्ट मतलब हेल्प करता है काम करने में. एपिथीलियल सेल्स अफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स विच कैन सेक्रीट सब्सटेंसेज एट द एपिथीलियल सर्फेस. समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ एपिथीलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड्स एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म. दिस इज अ ग्रैंड्यूलर एपिथीलियम. तो हम लोगों का ये किडनी में भी होता है, किडनी में हमारे, और सेलिवरी ग्लैंड में भी प्रेजेंट होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. एपिथीलियल सेल्स अफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन, तो जो एपिथीलियल सेल होते हैं वो एडिशनल स्पेशलाइजेशन भी एक्वायर कर लेते हैं ग्लैंड की फॉर्म में, मतलब अलग से ग्लैंड्स की तरह ये एक्ट करने लगते हैं. विच कैन सेक्रीट सब्सटेंस एट द एपिथीलियल सरफेस, तो एपिथीलियल का जो सरफेस होता है वहां पर ही सेक्रीशन, अगर ग्लैंड की तरह एक्ट करेंगे तो कुछ में से कुछ हार्मोन या सेक्रीशंस होंगे, तो सरफेस पर सेक्रीशन ये प्रोवाइड करते हैं. और समटाइम्स क्या होता है, पोर्शन ऑफ एपिथीलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड, तो एपिथीलियम पूरे स्किन को कवर करता है, ये इनवर्ड की तरफ फोल्ड हो जाते हैं. एंड द मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, बहुत सारे सेल्स का ग्लैंड फॉर्म होता है, और इस तरीके के जो ग्लैंड फॉर्म हो जाता है ना, उसको हम लोग ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम कहते हैं. तो ये सारे के सारे हम लोगों के कवर हो गया है अब पूरा का पूरा चैप्टर फाइनली. हम काफ़ी थोड़ा सा टाइम लग गया इस चैप्टर को कवर करने में, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा. और आप लोग आगे के चैप्टर्स के लिए बोल रहे हैं तो वो भी जल्दी ही कवर हो जाएंगे. और बाकी अब हम लोगों के 6 चैप्टर्स बचे हैं, 6 चैप्टर तक तो ये कंप्लीट हो गया है, 2 फिजिक्स के हमारे, 8 और 9 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, और चैप्टर नंबर 15 जो है लास्ट चैप्टर वो भी हमने कवर कर लिया है. तो और मैथ्स के भी हमारा 4 और 5 कवर हो गया है, 4, 5 और 3, हाँ 3rd, 4th, 5th कवर हो गया है. फर्स्ट के भी कुछ एक्सरसाइज जल्दी, मतलब कोशिश करूँगी मैं आपकी मैथ्स एंड साइंस 9th क्लास की कवर कर दूँ. कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए. अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए.